नमस्कार, मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री के रोड शो से पहले भाजपा के मुख्य नेताओं ने शहर के मुख्य मार्गों का लिया जायजा। लोगों से जनसंपर्क कर की वोटों की अपील। भाजपा नेताओं ने अन्नपूर्ण रसोई के खाने का लिया स्वाद। 27 जनवरी शनिवार को अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल अपना आखिरी अस्त्र का उपयोग करेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल अजमेर में रोड शो करेगी और लोगों से संपर्क कर भाजपा की जीत के लिए वोटों की अपील करेगी। कल होने वाले रोड शो से पहले भाजपा के मुख्य नेताओं ने मुख्य मार्गों का जायजा लिया और जनसंपर्क कर लोगों से वोटों की अपील भी की। प्रचार के दौरान भाजपा के नेताओं ने अन्नपूर्ण रसोई के खाने का स्वाद भी लिया। रोड शो से पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक राजा सर्किल पर हुए इकट्ठा। ढोल बाजू और बैंड के साथ निकलेगी रैली। भाजपा के रोड शो में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री उपस्थित होने वाली है। उससे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, मानो भाजपा चुनावी जंग होने से पहले ही जीत गया हो। ऐसा माहौल भाजपा के समर्थकों ने बना दिया है। जगह जगह रैली का स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं में भी खासा उत्साह है। महिलाएं भी भगवे रंग के साफे के साथ रैली में भाग लेने को तैयार है। यहाँ पर आई है और सब ने साफे पहने हुए हैं। एक अलग तरीके से सारी वीरांगनाओं के रूप में सब महिलाएं यहाँ पर आई है और ये सभी महिलाएं सारे हमारे युवा भाई सभी मोटरसाइकिल और स्कूटी के ऊपर महिलाओं की इस तरीके से माननीय वसुंधरा राजे जी के अगवानी के अंदर ये सब चलेंगी और भारत माता की एक हमारी जीप के अंदर साक्षात एक हमारी और हर वर्ग में सिक्योरिटी वाले सुनो बड़ी संख्या में लोग हैं। उनको हर एक सबसे आगे डीजे की गाड़ी बोलो उसको, ये जो डीजे बज रहा है सबसे आगे डीजे की गाड़ी होगी, सबसे आगे डीजे की गाड़ी एक जने को भेज दो वहाँ पे डीजे की गाड़ी को आगे लगवाएगा। सूचक है उसके बाद भारत माता की जीत पहना है सेकंड नंबर पर, भारत माता की जीत दूसरे नंबर पर, एक साथ में लगाओ पटका बांधे हुए हैं, कोई जवान लोग सारा बैनर लगाए हुए हैं। मुझे लगता है इतना उत्साह मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा जो तुरंत जगह भारत माता की जीत के बाद युवा मोटरसाइकिल युवा मोर्चा के मोटरसाइकिल और जीत हम जो है अपना सबसे आगे डीजे डीजे की गाड़ी के बाद भारत माता चुनाए हैं सबके लिए। एक बार ढोल धमाके बंद कर दो उधर, एक बार सब सुन लो। सूचना ये है सबसे आगे हमारा डीजे चलेगा, फिर भारत माता का चित्र चलेगा, उसके बाद में युवा मोर्चाओं की जो मोटरसाइकिल रैली है वो मोटरसाइकिल होगी, उसके बाद फिर माइक और ये ढोल होंगे, उसके बाद में पीछे माताएं बहने जो स्कूटी वाली है बच्चियां वो होंगी, उसके बाद ये माताएं बहने होंगी, उसके बाद फिर वही ढोल। आज चलेगा भाजपा के प्रचार का आखिरी अस्त्र। मुख्यमंत्री के रोड शो से पहले भाजपा जन हुए इकट्ठा। कई बजे शहनाई तो कई गाड़ियों पर दिखे भाजपा के झंडे, कई दिखी भाजपा की रंगोली तो कई चौराहों पर दिखा भाजपा का रंग। ढोल बाजों के साथ भाजपा तैयार है प्रचार के लिए। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण और आखिरी दिन है। इसी को देखते हुए भाजपा जनों ने आज रोड शो का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होगी। इस रोड शो में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि भाजपा के मुख्य नेता भी शामिल होंगे। आज होने वाले शो के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। रोड शो से पहले कई जगह शहनाई तो कई जगह भाजपा की रंगोली देखने को मिली। भाजपा का ये रोड शो राजा सर्किल से शुरू होकर बजरंगगढ़ पर खत्म होगा। लंबा रोड शो है लेकिन वो रोड शो करने में 6 घंटे लगने वाले हैं। राजा साइकिल चौराहे से हम इसको स्टार्ट करेंगे, मार्टिनर ब्रिज, बाटा तिराया, केसरगंज, उसके पश्चात नया उसके बाद में हम मजार गेट, गांधी भवन होते हुए नया बाजार, आगरा गेट, फव्वारा सर्किल और बजरंगगढ़ में जाकर इसका समापन करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रोड शो हुआ शुरू। वसुंधरा राजे के साथ भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप लांबा भी शो में शामिल। हजारों की तादाद में भाजपा समर्थकों ने लगाए नारे, ढोल बाजे, नाच गानों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से निकला शो। भाजपा के रोड शो का जगह जगह हुआ स्वागत। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए आज का दिन आखिरी है। भाजपा ने प्रचार के आखिरी दिन रोड शो किया जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप लांबा और भाजपा के मुख्य नेतागण शामिल हुए। रैली राजा सर्किल से शुरू हुई और ये 6 घंटे चलने वाली रैली बजरंगगढ़ पर खत्म होगी। रैली में हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक दिखे। समर्थकों ने हाथों में भाजपा के झंडे लिए नारे लगाए। रैली का जगह जगह फूल और मालों के साथ स्वागत भी हुआ।
खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें फॉरएवरन्यूज.com सच के साथ।